नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास जो 20 लीटर वाली 22 लीटर वाली गाय है उसको हमने डेनमार्क का सीमेन लगाया, जैसे कि मान के चलिए 40116 लगाया, 50053 लगाया, 40127 लगाया। तो 20 लीटर वाली को अगर ये हम सीमेन लगाते हैं तो उसकी आने वाली बछड़ियाँ कितना मिल्क प्रोड्यूस करेंगी। बहुत सारे पशुपालकों का हमेशा ये सवाल रहता है कि हमने हमारे फार्म पे 20 लीटर वाली को ये सीमेन लगाया डेनमार्क का, तो इसकी जो बछड़ी आएगी वो कितना मिल्क प्रोड्यूस करेंगी। तो आज की वीडियो में हम यही सटीक जानकारी जानेंगे। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि सारी प्रॉपर जानकारी आपको मिलती रहे, और आगे जाकर आप कौन सा भी डेनमार्क का सीमेन यूज़ करेंगे तो आप पहले ही खुद जान जाओगे कि इसकी जो आने वाली बछड़ियाँ है वो आपके फार्म पर कितना मिल्क प्रोड्यूस करेगी। तो चलो शुरू करेंगे आज की वीडियो। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम जानेंगे 20 लीटर वाली को हम 40116 का सीमेन लगाते हैं तो उसकी आने वाली बछिया कितना दूध देगी। तो इसके लिए हमें 40116 का समरी चार्ट देखना होगा, जो नॉर्डिक कंट्री के बेस वैल्यू पे बना है, जिसमें एक डेनमार्क, दूसरा स्वीडन और तीसरा फिनलैंड, इन तीन देश शामिल है। इन तीन देशों का पहले लैक्टेशन से लेकर थर्ड लैक्टेशन की गायों का एवरेज मिल्क दिया होता है, और वो जो हमारे पास 2005 के बेस वैल्यू पे बनाया गया है, जो 40116 का समरी चार्ट है वो 2005 के बेस वैल्यू पे बनाया गया है। तो वो बेस वैल्यू थी, यानी कि इन तीन देशों के अगर हम गायों का फर्स्ट लैक्टेशन से लेकर थर्ड लैक्टेशन की गायों का एवरेज मिल्क 2005 का देखेंगे तो वो था कम से कम एवरेजली 9122 लीटर पर काउ। तो हमें क्या करना है, ये 9122 लीटर में जो 40116 का ब्रीडिंग वैल्यू है, यानी इसको हम जेनोमिक वैल्यू भी बोलते हैं, उसको मिलाना है। वो है लगभग 920 लीटर। आप चार्ट पे जाकर देख सकते हैं, हम स्क्रीन पे आपको चार्ट शो करेंगे। तो 920 लीटर, तो 9122 में हमें 920 को मिलाना है, तो वो आता है 10042 लीटर, यानी कि ये हो गई 40116 की GPTA, यानी कि जीनोमिक प्रेडिक्टिंग ट्रांसमिटिंग एबिलिटी, यानी कि इसका ये एक्चुअल पोटेंशियल जो 40116 का एक्चुअल पोटेंशियल है वो है 10042 लीटर। तो इसके हाफ होता है ब्रीडिंग वैल्यू, तो वो आएगा 5021 लीटर, यानी कि इतना ब्रीडिंग वैल्यू आगे ट्रांसमिट होगा, क्योंकि मदर के 50% जीन्स और जो सायर है उसके 50%, तो ये इसके हाफ आएगा ब्रीडिंग वैल्यू, तो वो आएगा 5021 लीटर, इतना दूध 40116 से आगे ट्रांसमिट होगा आने वाली बछिया में। तो हमें ये जीनोमिक है और इसकी एक रिलायबिलिटी होती है, वो है कम से कम 60 से लेकर 80 के बीच, तो हमें 70% पकड़ के चलते हैं। और जो अपनी मदर है, जो जिसका 20 लीटर दूध है, इस गाय को हमने इसका सीमेन लगाया, तो 20 लीटर का हम 305 दिनों का दूध निकालेंगे तो वो पीकेड है 20 लीटर, तो 205 दिन एवरेजली पकड़ के चलेंगे तो ये 4000 लीटर 305 दिनों का मिल्क आएगा गाय का। तो इसका ये है PTA मिल्क, यानी कि प्रेडिक्टिंग ट्रांसमिटिंग एबिलिटी, मगर ये एक्चुअल में हमने गाय का हमारे फार्म पे दूध निकाला है, तो ये है प्रोवेन गाय, यानी कि PT, जिसको हम PT मदर भी बोल सकते हैं, यानी कि हमने इसका इतना निकाला है इसके बारे में हमें पता है। तो इसका ब्रीडिंग वैल्यू हमें गाय का निकालना है, तो आएगा 2000 लीटर, इसके हाफ PTA के हाफ ब्रीडिंग वैल्यू आएगा 2000 लीटर, क्योंकि गाय से 2000 लीटर दूध आगे प्रोजेनी में ट्रांसमिट होगा, और 40116 से 5021 लीटर, तो हमें इन दोनों को मिलाना है। तो 5021 लीटर प्लस 2000 लीटर, तो वो आएगा 7021 लीटर,
ये हो गया थ्योरेटिकल मिल्क, जो आने वाली प्रोजनी आएगी उसका सांख्यिकीय भाषा में इतना मिल्क आगे ट्रांसमिट होगा ये हमें पता चला, मगर एक्चुअल में कितना मिल्क देगी इसके बारे में हमें जानना है। तो अब क्या करना है, हमें जो बुल से आगे ट्रांसमिट होने वाला मिल्क है 5021 यानी कि ब्रीडिंग वैल्यू उसकी, उसको 305 दिन एवरेज से हमें भाग देना है। तो अगर हम इसको भाग देते 305 दिनों से वो आएगा 16 लीटर के आसपास, और गाय का जो मिल्क है वो है 2000 लीटर, तो उसको भी हमें 305 दिनों से भाग देना है, तो वो आएगा लगभग 6.55 यानी कि 6.5 लीटर के आसपास। तो हमें क्या करना है, अब ये 6.5 लीटर और बुल से मिलने वाला 16 लीटर इनको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, तो वो आएगा 23 लीटर के आसपास ये मिल्क आएगा। मगर इसकी एक रिलायबिलिटी होती है, इसके अनुरूप ही हमें एक्चुअल में बच्चियों का दूध मिलेगा, तो जो मदर से मिलेगा वो मदर हमारी प्रोवेन है, इसलिए उसकी हम रिलायबिलिटी 90% पकड़ के चलते हैं, वो 99% तक भी हो सकती है, मगर हम यहाँ 90% ही पकड़ के चलते हैं। और जो बुल है हमारा 40116 वो जीनोमिक है, तो जीनोमिक की रिलायबिलिटी आती है 60% से लेकर 80% तक, यानी कि जो श्योरिटी है वो आएगी, तो हम बीच का पकड़ते हैं, इसकी श्योरिटी पकड़ेंगे हम 70% के आजू बाजू, तो वो रिलायबिलिटी हो गई। तो इन दोनों रिलायबिलिटी को हमें आपस में मिलाना है, तो 70 प्लस 90, तो ये रिलायबिलिटी आ जाएगी दोनों की मिलाकर 160, तो इसको दो से डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगी 80%, यानी कि एक्चुअल जो बच्ची आएगी उसकी रिलायबिलिटी वो आएगी 80% के बीच में, क्योंकि माँ प्रोवेन है और बाप इसका जीनोमिक आएगा बच्चे का। तो हमें क्या करना है, इस रिलायबिलिटी से जो मिल्क हमारा आया है दोनों का मिलकर 30 लीटर, उसको गुन्ना है, यानी कि 80% रियल मल्टीप्लाई 23 लीटर, इसको हमें गुन्ना है, तो ये आ जाएगा 1840 लीटर। तो जो 40116 की बच्ची आएगी जो 20 लीटर को हमने सीमेन लगाया था, उसकी जो बच्ची आएगी वो एक्चुअल में 305 दिनों का इतना मिल्क प्रोड्यूस करेगी, 1840 लीटर 305 दिनों का। तो हमें 20 लीटर वाली को ये सीमेन लगाने के बाद उसकी बच्चिया कितना मिल्क देगी इसके बारे में अब पता लगाना है। तो अब क्या करना है, मदर का हमें मिल्क था जिस पे हमने 40116 का सीमेन लगाया था वो था 4000 लीटर एक ब्यात में, तो उसमें हमें ये 1840 को मिलाना है, तो ये आ जाएगा 5840 लीटर, क्योंकि जो बच्ची आएगी वो इतना मिल्क एक्चुअल में देगी। तो हमें अब क्या करना है, इसका पीक मिल्क निकालना है, तो 205 दिनों से हमें इसे भाग देना है 5840 लीटर को, तो ये आएगा 28 लीटर पिकेड, और एवरेज मिल्क हम बच्चिया का निकालेंगे, तो 305 दिनों से हमें 5840 लीटर को भागना है, तो वो आएगा 19 लीटर पर डे, यानी कि 305 दिनों का 19 लीटर आएगा। तो जो हम 20 लीटर वाली गाय को सीमेन लगाया था 40116 का, तो उसमें से जो इसकी रिलायबिलिटी होती है, तो रिलायबिलिटी बचिया की है 80%, तो 100 गायों को अगर जो 20 लीटर वाली 100 गाय एवरेजली उसको हम 40116 का सीमेन लगाएंगे, तो उसमें से 80 बच्चियाँ एक्यूरेट 5840 लीटर के आसपास मिल्क प्रोड्यूस करेगी, यानी कि 28 लीटर पिकिड के साथ, जो एक दिन का हाइस्ट मिल्क माना जाता है पिकिड, वो 28 लीटर तक इसका जा सकता है, जो पिकिड गाय का था 20 लीटर, तो उसकी जो 80 बच्ची आएगी वो कम से कम 28 लीटर पिकिड तक मिल्क दे सकती है, यानी कि और उसका 305 दिनों का एवरेज निकालेंगे तो 19 लीटर आता है। तो इससे ये पता चलता है
कि 20 लीटर वाली गाय को हमने 40/116 का सीमेन लगाया, तो उसमें से 100 गायों को लगाया तो उसमें से 80 बच्चियाँ 28 लीटर पीकिड प्रोड्यूस करेगी, और जो 20 बच्चियाँ बाकी रहती है, जो 20 बच्चियाँ बचती है 100 में से, वो 28 लीटर से ऊपर भी मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है और उससे कम भी, यानी कि 20 लीटर से कम भी मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। कुछ 15 लीटर दे सकती है, कुछ 18-16, 20 से नीचे भी प्रोड्यूस कर सकती है और कुछ 20 से ऊपर, यानी कि हम मान के चलेंगे 28 से लेकर 35 लीटर तक कुछ बच्चिया मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है और कुछ बच्चिया 16 से 18 लीटर भी मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है। मगर एक्यूरेस 80 बच्चिया 5840 लीटर का पोटेंशियल लेके आएगी और वो इतना मिल्क प्रोड्यूस करेंगी, यानी कि 28 लीटर पर पीकिड के साथ और 19 लीटर पर डे एवरेज मिल्क के साथ। तो इसी प्रकार आप डेनमार्क का बुल का किस कौन से भी बुल का सीमेन लगा के आसानी से आने वाली बच्चिया का मिल्क पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही पे रुकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, आपकी कुछ क्यूरीज हो तो हमें कमेंट में बताएं। ये वीडियो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये पहला वीडियो होगा भारत का कि इसके बारे में हमने सटीक जानकारी आपको दी है। तो तब तक के लिए रुकते यही पे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।